अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप सब लोग। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर जिसको नौजवान नस्ल हमारी बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही थी, मैं भी फॉलो कर रहा था, लेकिन वो भी रॉन्ग नंबर साबित हुए हैं। क्या मजबूरी थी, क्या वजूहत हैं, उनका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन वो बाबों को कहते थे कि बाबो शाही कोई नहीं, लेकिन अब वो गलत जगहों पर पंगा ले बैठा है मिर्ज़ा साहब, और उसको अब पता चलना चाहिए। और तमाम दोस्त जाएं सबसे पहले YouTube पे, जो हमारी नौजवान नस्ल है, सबसे पहले हमारे टैगर्स, उसके जाके चैनल को अनसब्सक्राइब करें। Facebook पे भी जो हम सुन रहे थे, क्योंकि ऐसे बंदे को जो डरपोक हो, और जब वो पहले सच बोल रहा था अब झूठ बोल रहा है, जब पहले झूठ बोल रहा था अब सच बोल रहा है, तो इस बीच में सच और झूठ की कैफियत में हमको नहीं रहना चाहिए। तो इससे पहले कासिम अली शाह साहब भी आए थे, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो हमको बताने की कोशिश कर रहे थे कि गलत क्या है और सच क्या है। तो वो फिर ऐसे पीटीआई वर्कर्स ने ऐसी छतरोल की, फिर वो नज़र नहीं आए। और अब ये लॉन्च हुए हैं, इन्हें भी पता चलना चाहिए। हम ज़्यादा तो नहीं, तो लेकिन इसके यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को अनसब्सक्राइब तो कर सकते हैं, क्योंकि ये भी यहाँ वो कहते हैं काजी बिके, मुल्ला बिके, सब बिके, तो ये भी उसी सब में शामिल हो गया। और हालिया व्लॉग्स में इन्होंने इमरान खान बारे में, अरशद शरीफ और माना रियाज के बारे में जो बातें की हैं, बिल्कुल बेबुनियाद हैं, झूठ पे मबनी है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और ये भी शायद बिक गया है, डर गया है, क्या वजूहत है। तो बहरहाल हमारे सब दोस्तों से फिल फॉर दरख्वास्त है कि अपने यूट्यूब पर जाएँ, और जो इसको नौजवान नस्ल फॉलो कर रही है, जाके अनसब्सक्राइब करें इसे, ताकि पता चल सके किससे पंगा लिया है, और फेसबुक पेज को भी अनलाइक करें इसकी जाके ना।